हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। गाइस, मैं भी ठीक हूँ। और गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी मैं प्लास्टरा कर रही हूँ, तो गाइस हम लोग दोनों मिल के ही प्लास्टरा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग ने देखा था कि पहले मेरा घर कितना टूटा फूटा था, गाइस बरामदा बहुत ही टूट चुका था, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा प्लास्टरा यहाँ पे कर दे रहे हैं, क्योंकि बरसात आने वाली थी गाइस, तो इसीलिए प्लास्टरा कर दे रहे हैं। और दिन में हस्बैंड थोड़ा ड्यूटी चल जाते हैं गाइस, तो शाम को ही रहते हैं, और इसीलिए हम लोग रात में ही प्लास्टरा कर रहे थे गाइस, शाम को ही। तो मैं मिल के ही कर दे रही थी, क्योंकि हस्बैंड अगर अकेले करते तो बहुत ही रात हो जाती गाइस, तो और अंधेरा भी हो चुका था, तो इसीलिए मैं मिल के ही कर दे रही थी। मेरे हस्बैंड बालू और सीमेंट बालू से प्लास्टरा कर रहे थे और मैं उसमें घोला चढ़ा दे रही थी साथ साथ में। ऐसे करने से क्या होता है ना गाइस, कि थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, और हस्बैंड को ड्यूटी सुबह जाना रहता है, तो इसीलिए अगर अधूरा रह जाता तो फिर दिन में नहीं हो पाता गाइस। तो इसीलिए मैं साथ में मिल के ही कर दे रही थी, और हस्बैंड बालू सीमेंट से घोला अति चढ़ा दे रहे थे और मैं घोला लगा दे रही थी। और पक्का बन जाने से क्या होता है गैस, थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगाने में भी अच्छा लगता है। और बरामदा टूट चुका था गैस, तो घर वगैरह धोते थे पानी से, तो पानी जहाँ तहाँ भर जाता था गैस, और बालू बालू टाइप का लगता था, तो इसीलिए मैं प्लास्टरा कर दे रही हूँ। और अंदर नहीं किए थे गैस, सिर्फ बरामदा ही पहले कर दे रहे थे, और अंदर बाकी था गाइस। हम लोग सोच रहे थे कि पहले बरामदा ही कर देते हैं, क्योंकि बरामदा बहुत ज़्यादा ही फूट चुका था गाइस। प्लास्टरा हुआ था मगर बहुत ज़्यादा ही फूट चुका था, बहुत दिन हो गया था गाइस, और अंदर भी थोड़ा बहुत फूट चुका था। बरसात में क्या होता है ना कि बाहर तरफ पानी भरता है आंगन तरफ ना गाइस, तो अंदर से ही निकलता है, और फूटा जहाँ रहता वहाँ से पानी निकलने लगता था, तो इसीलिए बरसात में हम लोग को बहुत ही दिक्कत हो जाती थी, और अंदर पानी भर जाता था गाइस, सोवा फूटता था। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि पहले बरामदा ही कर देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके घर ही बना, घर में थोड़ा भी प्लास्टरा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं जहाँ फूटा हुआ था गाइस पहले, वहीं पर हम लोग पहले प्लास्टरा कर ले रहे हैं। तो हम लोग दिन में ही ईटा का सोलिंग कर दिए थे गाइस, तो हस्बैंड आए थे ड्यूटी से, तो खाना बन रहा था, और खाना भी बना रही थी मैं गाइस, क्योंकि रात का खाना भी बनाना था और प्लास्टरा भी करना था गाइस। और सुबह मेरा आंगनबाड़ी रहता है और हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं गाइस, तो इसीलिए हम लोग दोनों जन मिल के रात में ही प्लास्टरा कर रहे थे। और रात में करने से क्या होता है ना गाइस, कि कोई उसमें चलेगा नहीं, और इसलिए पेपर बिछा दिए थे गाइस, कि जहाँ जैसे जैसे हम लोग चलेंगे वहाँ पे पेपर डाल दिए थे, ताकि मेरा पक्का टूटेगा नहीं। तो इसीलिए मैं सोलिंग कर भी रही थी, घोला चढ़ा रहे थे सीमेंट से, और पेपर भी बिछा दे रहे थे गैस, क्योंकि उसमें बुलने से पक्का मेरा टूटता नहीं, तो इसीलिए मैं पेपर बिछा के कर दे रही थी। और उसके बाद बहुत ही रात हो चुकी थी गैस, जिसके चलते मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी, और हस्बैंड भी जल्दी जल्दी कर रहे थे गाइस, क्योंकि रात हो चुकी थी, और हम लोग का खाना भी खाना था, सोना भी था, क्योंकि सुबह हम लोग दोनों का ड्यूटी रहता है गाइस, तो इसीलिए हम लोग रातें में ही कर ले रहे थे, और रात में क्लियर हो जाता तो सुबह सिर्फ धोना और पानी डालना रह जाता है, तो इसीलिए मैं रात में ही हम लोग करते करते गाइस बहुत ही रात हो चुकी थी, और कम से कम हम लोग का 1:30 या 2 बज गया था गाइस रात, घोला चढ़ाते चढ़ाते। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे लोग सो गए थे गाइस खाना खा के, और हम लोग का प्लास्टरा नहीं हुआ था, तो इसीलिए हम लोग प्लास्टरा कर रहे थे गाइस, और खाना भी नहीं खाए थे, तो हम लोग सोच रहे थे कि जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम लोग नहा के उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद ही सोएंगे गाइस, तो इसीलिए हम लोग रात में बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे।